विधानसभा के आठवें दिन इनेलो ने सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा बनाए रखा। सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने ऑडियो क्लिप मामला और जमीन घोटाले को लेकर सरकार का घेराव किया। अभय चौटाला ने तमाम मुद्दों पर सीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम अपनी चुप्पी से दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे मॉल के साथ साथ बहुत से शोरूम बनाए हुए, ये मॉल ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जो है, इनका कोई सीएलयू नहीं है। जमीन तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसलिए छोड़ी थी कि वो सारी जमीन हरमिंदर चट्ठा की थी, सारे कानून कायदे ताक पे रख के उस जमीन को रिलीज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के चेते लोगों ने उस जमीन को खरीद करके उसमें मॉल बना दिया और उसके अंदर बड़े बड़े शोरूम बना दिए। हमने जब कल इस बात के लिए इंक्वायरी मांगी कि इस इश्यू को भी सीबीआई को सौंपना चाहिए, तो फिर मुख्यमंत्री के पास इसको लेकर के कोई जवाब नहीं था। जिस तरह मानेसर में हुआ उसी तरीके से सोनीपत में भी हुआ। अगर सरकार सीरियस है, अगर सरकार, तो फिर इसके ऊपर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जो सारी चीजें मैंने आपसे बताई आज, मैंने कल विधानसभा में इस बात का जिक्र किया था, शायद आपने सुना लेंगे, लेकिन हैरानी की बात है बजाय इन बातों का जवाब देने के मुख्यमंत्री जब तक हमें नेम नहीं किया गया तब तक हाउस में नहीं आया, अपने कमरे में बैठा रहा कि अगर वहां जाएगा तो फिर तुझे किसी बात का जवाब देना पड़ेगा। आज फिर वही चीज आपने देखी होगी, नहीं आज फिर आपने वही चीज देखी होगी, जब मैं बोलने के खड़ा हुआ था मुख्यमंत्री फिर मदान